हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मारुति सुजुकी की इको है। तो फ्रेंड्स, अक्सर मुझे इसमें हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी, जब भी समर के टाइम में या फिर तेज़ धूप में जब मैं ये गाड़ी लेके कहीं जाता था तो उसमें अक्सर मुझे इसमें गर्मी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों ओर विंडो ही विंडो है, आगे पीछे और इधर साइड से आप देखेंगे तीन विंडो जो इधर है और तीन उस साइड में। तो बहुत ज़्यादा ग्लास का यूज़ किया है, तो इसके कारण गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो जाती है। अगर गाड़ी जब बंद रहेगा, अगर एसी ऑफ रहेगा, थोड़ा देर के लिए भी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़े कर देते हैं तो ये गाड़ी बहुत जल्दी हीट होने लग जाती है, जिसके कारण मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका विंडो कर्टन भी आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाया था। तो उसी कारण आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका जो फ्रंट विंडशील्ड है और जो रियर विंडशील्ड है उसको कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको आप कैसे उसमें कर्टेन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इको का कार है या फिर इको परचेस करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इसे एंड तक जरूर देखिए, इसे थोड़ा भी मिस बिल्कुल भी ना करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख चुके हैं कि चारों ओर विंडो ही विंडो है, बहुत बड़ी बड़ी विंडो है, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी कभी गाड़ी को कहीं पे भी पार्किंग पे, जहां पे खुला पार्किंग है, यहां पे स्पेस है, या फिर कहीं पे भी धूप में खड़ी कर देते हैं तो गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो जाती है, अंदर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वापस से कूल डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, साइड साइड के विंडो है उसमें विंडो कर्टेंस लगा दिया था, जिसके कारण क्या होता है कि आप कभी भी उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर कभी भी वापस से लगा सकते हैं। तो इससे क्या आपका चलान भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक वाली फिल्म लगा लेंगे, जेट ब्लैक शीशे करवा लेंगे तो उसमें आपका फाइन लग सकता है, आपको अच्छा खासा चलान भी कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए मैंने क्या किया था, इसमें विंडो कर्टेंस लगा दिया, बट उस समय अवेलेबल नहीं थी और आगे और पीछे से भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता अगर आप कहीं पे गाड़ी को पार्किंग में करेंगे तो। जो फ्रंट विंडशील्ड है और जो रियर विंडशील्ड है, दोनों से धूप आने के कारण गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, इसे ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको रियर का दिखाता हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, आप भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का यह है कर्टन्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, यहाँ से आप ऐसे रोल किया हुआ रहेगा, इसको आप धीरे धीरे आराम से ऐसे करके, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का है। ये आपको लग रहा होगा कि किस शेप में है, तो फ्रेंड्स ये जब पैकेजिंग होता है तो इसलिए इसको ऐसे मोड़ के रखा जाता है ताकि आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सीधे इसका बूट को ओपन करता हूँ। तो सिंपल आप इसको ओपन करने के बाद इसको आप वापस से सीधा कर ले ऐसे। तो फ्रेंड्स, लगाने के लिए आपको सिंपल सा इसको थोड़ा सा आपको शेप में हल्का बुल्का चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वायर का यूज करते हैं, आप इसको ऐसे करके सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ये रखने के कारण थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो वापस आप वायर को अच्छे तरीके से अगर सीधा करेंगे तो ये वापस से फिर से सीधा हो जाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब इसको आपको धीरे धीरे ऐसे करके प्लेस करना है, यहाँ देखिए सिंपल। पहले आपको चेक करना है कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का, यहाँ पे देखिए लगा के देख रहे हैं, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप आराम से खुद से लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जस्ट इसका जो फ्रेम है, जस्ट जो विंडशील्ड का जो फ्रेम है, ब्लैक वाला रबर है, उसके अंदर आपको प्लेस करना है, बहुत आराम से हो जाएगा, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। आप इसको अपने फिंगर के मदद से आप इसको इजिली यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही आसान से ये आप प्लेस कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, बट हाँ आपका पूरा का पूरा फ्रेम में इजिली प्लेस हो जाएगा। तो अभी मैं वापस इसको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो पहले अंदर दिखता भी था अब वो भी छुप जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जेड ब्लैक हो गया, यहाँ से अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ से इसका सबसे अच्छा खासियत क्या है कि आप इसको कभी भी रिमूव करके फोल्ड करके वापस से रख सकते हैं, जब आपका जरूरत नहीं है आप रख सकते हैं। खास करके जब आप विंटर सीजन में जाएंगे तो आपको लाइटिंग का कमी होगा, अंदर कैबिन में अंधेरा रहेगा, डार्कनेस रहेगा, उस केस में आप क्या करें, वापस से इसको रिमूव कर ले और फोल्ड करके अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और वापस से जब भी समर का मौसम आएगा, जब भी समर का सीजन आएगा, जहाँ पे धूप तेज रहेगी या फिर पार्किंग में आपको लगाना है, तो वापस से आप इसको लगा करके फिर से आप अपने गाड़ी को कूल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको फ्रंट विंडशील्ड का दिखाता हूँ कि फ्रंट विंडशील्ड में कैसे पार्किंग में आप इसको यूज करें। तो फ्रेंड्स, ये अगेन दूसरा पार्सल है, जो कि अगेन मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था। तो अब मैं इसको निकालता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप का, आप सोचे होंगे कि ये इतना ज्यादा छोटा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पैकेजिंग में आता है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहां से देखिए कैसे ये इसको रिमूव करने से इस टाइप का हो जाएगा,
अब आप सोचेंगे ये है क्या, कि एक्चुअली क्या चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके साथ में ये चार क्लिप मिलता है, इससे बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही काम का चीज़ है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कब काम आएगा और कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रोडक्ट है, अब मैं आप इसको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आपको इसको ऐसे प्लेस करना है, ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है, जो सिल्वर कलर है, वो आपको बाहर की ओर रखना है, ना कि अंदर की ओर। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको आपको अंदर रखना है और जो शाइनिंग वाला पार्ट है इसको बाहर रखना है। ये क्यों रखना है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अभी आप इसको प्लेस कर ले ऐसे फोल्ड करके, आप देखिए पहले आप इसको इस साइड वाला प्लेस कर ले, बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको किसी भी हिसाब से आप इसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप इसको आराम से अगर प्लेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्रेम में, जो आपका विंडशील्ड का फ्रेम है उसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे करके पूरा का पूरा प्लेस कर दिया। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हो गया, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और अच्छे से लगाना, तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा फ्रेम में मेरा फिट हो गया, ठीक है। ये आप आराम से ऐसे भी छोड़ेंगे तो ये नहीं गिरेगा, बट तो होता क्या है कि हर गाड़ियों में जो विंडशील्ड होता है फ्रंट का, वो अलग अलग साइज का होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा फ्रेम में फिट नहीं होती है, यूनिवर्सल साइज का बनाया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको उसके लिए ये चीज दिया जाता है। ये क्या काम आता है मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखाता हूँ। ये आप क्या करें, सिंपल सा देखिए ऐसे विंडशील्ड में अगर आप इसको प्लेस करके ऐसे प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाता है, ये देखिए ये चिपक गया। तो अब क्या करें कि उसके बाद जो होल है यहां से इसको ऐसे प्लेस कर करके और इसके बाद इसको यहां से निकाल करके यहां पे ऐसे फंसा दे, यहां पे देखिए ये ऐसे फंस गया। तो यहां पे अगर आपका ये फ्रेम में नहीं भी बैठेगा तो ये विंडशील्ड के साथ में अटैच रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो विंडशील्ड है वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा। और जो मैं आपको एक चीज बताने वाला था, जो बाहर वाला ये जो सिल्वर वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, इसको बाहर क्यों करें, देखिए ये जो सिल्वर वाला पार्ट है ये क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर आने ही नहीं देता। तो अगर आप ब्लैक वाला पार्ट को रखेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, तो उस केस में क्या होगा कि अंदर में लाइट एंटर हो जाए और वो हीटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो ये वाला पार्ट देता है कंपनी, इसको सिल्वर कलर में देती है ताकि आप इसको बाहर की ओर प्लेस करें, ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपकी गाड़ी में क्या होगा बहुत ही लेस अमाउंट का लाइट इंटर होगा, तो आपका कैबिन जो है वो कूल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप गाड़ी को पार्किंग में लगा कर रखें, अदरवाइज अगर आप जैसे ही गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल के आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजिली तरीके से रिमूव होकर वापस रख सकता है। मैं आपको फिर से रिमूव करके एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स रिमूव करने के लिए सिंपल, ये अगर हुक लगा कर रखे तो आप इसको पहले हटा ले, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे कर करके पहले निकाल ले। यहाँ पे देखिए एक एक करके निकल, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसको इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकलने के बाद आप इसको वापस से आप इसको दोनों को ऐसे पकड़ के पूरा फ्रेम में करके आप उसको बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे दो तीन टर्न, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए वापस आप इसको जैसे भी घुमा के आप इसको आराम से फोल्ड करें, बस इसको कस के प्रेस नहीं करना है, इजिली हैंडल करना है, ताकि इसका जो वायर है अंदर में वो खराब ना हो एंगल, तो उससे क्या होगा कि फिर आपके फ्रेम में ठीक से नहीं बैठेगा। तो आप बहुत इजी तरीके से हल्के हाथ से फोल्ड करके रख लें और वापस से आप इसको कहीं पे भी सीट के नीचे या कहीं पे भी जहां पर आपको अच्छा प्लेसमेंट लगे वहां पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।